So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in law departments. दोस्तों आज हमारे पास बहुत अच्छे यूनिक क्वेश्चंस हैं, साइबर क्राइम पर है, कॉन्स्टिट्यूशन पर है, एथिक्स पर है, लॉ से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आपको हमारा पुराना वीडियो रिगार्डिंग लॉ बहुत अच्छा लगा और हमारा इनकम टैक्स वाला वीडियो देखना मत भूलना। हमने अभी तक अपने दोनों चैनल्स पर पीडी क्लासेस पर और इंटरव्यू गाइड पर आपको 2000 से भी ज्यादा वीडियोस बॉडी लैंग्वेज के, इंग्लिश स्पीकिंग के, पर्सनालिटी के, इंटरव्यू के दे रखे हैं। आप उनसे इंजॉय करिए, बहुत कुछ सीखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कशिश सोनी वेलकम। कशिश, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपसे संविधान के बारे में कि हमारा जो संविधान है वो कब बना, क्या हुआ, कैसे बना, जो आप बताना चाहें। यस सर। सर हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर को बना था 1949 में और लागू ये 26 जनवरी में हुआ था 1950 में। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि इसमें आर्टिकल्स कितने हैं। सर इसके अंदर आर्टिकल्स 395 हैं और 22 पार्ट्स हैं एंड 8 स्केड्यूल्स हैं। ये स्केड्यूल क्या होता है? सर स्केड्यूल्स वो होते हैं जो जिसके अंदर टेबल्स होते हैं और उसके अंदर ये बताया जाता है कि जो एडिशनल डिटेल्स उसके अंदर बताई जाती है और जो आर्टिकल्स में प्रेजेंट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 346 एंड 347 के अंदर क्या बता रखा है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस बता रखे हैं। right. कौन कौन से ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो हम 8 स्केड्यूल्स के अंदर पढ़ते हैं। ओके okay, और कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस? सर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अच्छा मुझे बताइए गॉडफादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन? सर बी आर अम्बेडकर। ओके तो मैं मिलवाना चाहूंगा मुक्ता से, शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरव्यू। मुक्ता आपको क्वेश्चन पुट अप करना चाहूंगे। श्योर सर, टेल मी अबाउट योर फैमिली। ओके आई लिव इन जॉइंट फैमिली। माय फादर इज अ बिजनेसमैन, माय मदर इज अ होममेकर एंड माय ग्रैंडफादर इज अ गोल्डस्मिथ। ओके यस। चलिए फिर आप मुझे बताइए हाउ मेनी इयर्स डिड इट टेक टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन? सर 2 ईयर्स 11 सेशंस एंड बिल्कुल 2 साल 11 महीने और 18 डेज लगे थे। 18 डेज। कुछ और बताना चाहोगी इस पर? यस सर। सर इसके अंदर इस ईयर के अंदर ही अंदर 165 सेशंस हो चुके हैं, मीटिंग्स हो चुके हैं और 11 सेशंस हो चुके हैं। वेरी गुड। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सर इसके अंदर बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एजुकेशनल प्रोविजंस एंड उसके कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के बारे में बताया हुआ है और राइट टू फ्रीडम है सर इसके। वेरी गुड। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले राइट टू एक्सप्लॉयटेशन कौन कौन से आर्टिकल में? सर 23 टू 24 में। और मुझे ये बताइए आप कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स कौन से? सर 29 टू 30 में आते हैं ये आर्टिकल्स। वेरी। कशिश। यस सर। हाउ मेनी रिट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? सर देयर 5 रिट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर भी हम फाइल कर सकते हैं केस। जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन और कोवरेंटो। इनके बारे में बताइए। यस सर। सर हैबियस कॉर्पस वो है जिसमें हम बॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। ओके। सर इसमें ये बताया कि अगर कोई स्टेट इलीगल स्टेट जो कि डिटेन कर लेती है पर्सन को, चाहे वो इंसान खुद, उसकी रिलेटिव्स या फैमिली, इस रेमेडी को अप्लाई कर सकती है। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पूछते हैं कि आपने किस बेसिस पे इसको डिटेन किया है, अगर वो अनरीजनेबल दिखता है हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को तो वो उसे छोड़ देती है। ओके। यस सर। एंड नेक्स्ट इज मैंडमस। मैंडमस, मैंडमस मीन्स की टू कमांड। ये रिट्स तब यूज होती है जैसे कि स्टैचुटरी, नॉन स्टैचुटरी या फिर यूनिवर्सिटीज के लिए हम इसको रिट्स को यूज करते हैं जो कि कमांड देती है पब्लिक पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। ओके एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? सर नेक्स्ट वन इज कोवरेंटो एंड कोवरेंटो का मतलब होता है कि टू बी सर्टिफाइड। इसके अंदर ये बताया है कि अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलती है कि अपने रिकॉर्ड्स और रिव्यूज सबमिट करें, रिव्यूज इन द सेंस कि कोई भी ये पता करती है कि लोअर कोर्ट जो है वो कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा। अगर कोई इलीगल काम कर रहा है वो कैसे, जैसे कि एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और लैक ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नेचुरल जस्टिस का वॉलेशंस वगैरह, अगर वो सब उनको दिख जाता है कि ये सब कर रहे हैं तो वो एक्ट जो है वो क्वैश कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। ओके, मेक देम सिट डाउन एंड डोंट टॉक। द नेक्स्ट वन इज? सर द नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन और सर्शरी ये सिमिलर हैं बट इसके मीनिंग थोड़े से अलग जाते हैं। प्रोहिबिशन जैसे कि अगर कोई जजमेंट, जज जजमेंट देते हैं, अगर जजमेंट से पहले बाद में कोई अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्योर बोलते हैं। क्योर हम इसे मिस्टेक सुधार सकते हैं और प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि अगर जजमेंट से पहले हम कोई मिस्टेक ठीक कर देते हैं, उसको प्रिवेंट कर लेते हैं, तो ये सब प्रोहिबिशन में आता है।
Okay. And the last one is? And the last one is Coverento. इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई इंसान या फिर जैसे कोई 12th पास की है या फिर हम कॉलेज में हैं, कोई भी एग्जामिन जो क्वालिफाई अगर क्लियर नहीं कर पाता है तो उसको कॉलेज से रिमूव कर देते हैं. Yes. जैसे कि कोई पब्लिक कोर्ट पूछता है कि कोई पब्लिक ऑफिसर कि आपने किस पे अज्यूम कर रखा है ये, तो उसमें अगर इसमें कोई जो टाइटल होता है वो अगर इलीगल दिखाई देता है तो कोर्ट जो है वो उसको रिमूव कर देती है. Yes, चलिए अब मैं साइबर क्राइम पे आपसे कुछ पूछना चाहूंगा. Yes, सबसे पहले मुझे बताइए कि साइबर क्राइम होता क्या है. सर, एक तरह की इलीगल एक्टिविटी है जो हम कंप्यूटर के थ्रू विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट के थ्रू किया जाता है. कैन यू टेल मी द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम. यस सर. सर, टू टाइप्स के होते हैं, वॉयलेंट एंड नॉन वॉयलेंट. वॉयलेंट के अंदर ये आते हैं कि साइबर थेफ्ट क्या होता है और साइबर स्टॉकिंग क्या होता है और साइबर टेररिज्म क्या होता है. साइबर टेररिज्म वो होता है जो अगर कोई टेररिस्ट प्लेन के अंदर घुसकर हैक कर लेता है, उसको क्रैश करने की भी कोशिश करता है, उसको साइबर टेररिज्म बोलते हैं. Okay. और असोल्ट बाय गवर्नमेंट, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट को अगर धमकी देता है कि आपके यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट किया जाए अपना खुद का काम निकलवाने के लिए, उसे असोल्ट बाय थेफ्ट बोलते हैं. ओके. एंड व्हाट अबाउट साइबर स्टॉकिंग. सर, साइबर स्टॉकिंग वो होता है कि अगर कोई पर्सन ईमेल के थ्रू उसको स्टॉक कर रहा है, कोई भी चीज़ किसी और को भेज कर कि हाँ ये चीज़ें स्टॉक करनी है बार बार, तो उसे साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं. ओके. कैन यू टेल समथिंग अबाउट नॉन वायलेंट साइबर क्राइम्स. यस सर. सर, इसके अंदर साइबर फ्रॉड होते हैं, डिस्ट्रक्टिव साइबर क्राइम्स होते हैं और मैनी मोर. सर, इसके अंदर साइबर फ्रॉड वो होता है जो कि किसी के विदाउट परमिशन हम किसी का फ़ोन अगर देख लें. Right. तो विदाउट एनी परमिशन, तो उसको साइबर थेफ्ट बोला जाता है. यस सर. एंड साइबर फ्रॉड इज. सर, साइबर फ्रॉड वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम कोई अगर जैकपॉट लग जाए, बोलते हैं कि आपका जैकपॉट लगा है, तो इस तरह के ये सब. Yes. कुछ झूठ झूठ होते हैं, इसलिए हम इसको साइबर फ्रॉड बोलते हैं. ओके. यस. एंड व्हाट इज साइबर ट्रेसपास. सर, ट्रेसपास वो होता है कि जो अगर किसी के पास फ़ोन के अंदर डाटा का एक्सेस है और कोई इंसान वो निकाल भी सकता है इंफॉर्मेशन को और डाटा को हैक भी कर सकता है. Okay. और सबसे डेंजरस सर हुआ है डिस्ट्रक्टिव साइबर क्राइम. ओके. सर, इसके अंदर ये होता है कि हम चीज़ों को हैक तो कर लेते हैं बट वो साथ में उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी फीड कर देते हैं. ओके. यस सर. सर, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम देती है ये दुनिया में. ओके. Okay. मुझे ये बताइए कि इन इंडिया हाउ मेनी साइबर क्राइम्स आर देयर, कितने टाइप्स के होते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए. यस सर. सर, वैसे तो बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं जैसे कि ईमेल स्पूफिंग, फॉर्जरी, साइबर बुलिंग. सर, इस टाइप के साइबर्स बहुत सारे होते हैं. ईमेल स्पूफिंग वो होता है सर जिसके हम कोई भी मान लो कि अपनी जीमेल आईडी है उसके अगर उसका पासवर्ड किसी भी एनिमी के पास पहुंच जाए तो वो एनिमी क्या करता है कि हमारे पासवर्ड को मिसयूज़ कर सकता है. ठीक है, मैसेजेस भेज सकता है और वो लगता है इंसानों को लगता है कि ये मैसेजेस हमने भेजे हैं पर वो एक तरह का एक ऑफेंस है, ये गलत है, ये ईमेल स्पूफिंग माना जाता है. यस सर. फोर्जरी सर, इसमें क्या होता है कि फेक डिटेल्स बताई जाती है थ्रू प्रिंटर और स्कैनर से. हम कुछ भी फेक चीज़ें निकलवा सकते हैं फोर्जरी के थ्रू. Okay. चाहे वो मार्कशीट क्यों ना हो, चाहे फिर वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्यों ना हो, एक तरह. Okay. का फेक से. फिशिंग मीन्स. सर, फिशिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कॉल आ जाए कि आपके एटीएम का पिन कोड क्या है. Okay. तो अगर कोई इंसान पिन कोड वगैरह देते तो वो पासवर्ड्स वगैरह हैक कर लेते हैं. Right. पासवर्ड हैक कर लेते हैं और सब कुछ जो पैसे हैं वो निकाल भी लेते हैं, उसे फिशिंग का बोलते हैं. ये. Okay. अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है. और साइबर बुलिंग के बारे में क्या जानते हैं. साइबर बुलिंग इन द सेंस कि नेट पे खुद अब्यूज वर्ड हम कह सकते हैं इसे ऑब्सीन्स. यस सर. यस सर, अब्यूज वर्ड यूज करना किसी. Okay. को किसी को गोली गाली दी देना. Yes, या फिर कुछ ऑप्शन चीजें डालना. यस सर. ओके, दिस इज साइबर. यस सर. अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ कि अब मैं जो टॉपिक चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा प्रोफेशनल एथिक्स पे आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ. यस सर. तो मुझे अब ये बताइए कि व्हाट इज द वर्ड एथिक मीन, इसका मीनिंग क्या है. सर, जो एथिक है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, एथोस. इट इज अ ग्रीक वर्ड एथोस, दैट इज हैबिटुअल मोड ऑफ द कंडक्ट. ओके. एंड व्हाट डज प्रोफेशनल एथिक मींस. सर, प्रोफेशनल एथिक ये होता है कि जैसे कि कोई भी रिटन और अनरिटन टू रिगार्डिंग टू द प्रोफेशन, ये ड्यूटीज बताता है प्रोफेशंस की. ओके. यस सर. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एटिकेट. सर, एटिकेट में इसमें बताते हैं कि क्या मतलब पैटर्न क्या है बिहेवियर, पैटर्न ऑफ बिहेवियर के बारे में बताता है. Okay. और जैसे कि इसके अंदर किस टाइप के पैटर्न बिहेवियर्स होते हैं जैसे कि एलिगेंस. एलिगेंस और द वर्ड डिग्निटी. डिग्निटी, यस सर. ओके. तो टेल मी द ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट टुवर्ड्स द कोर्ट. यस सर.
सर इसके अंदर ये बताया कि एडवोकेट की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए टुवर्ड्स कोर्ट की. सर एडवोकेट को हमेशा पंचुअल होना चाहिए और अगर जज कोई जजमेंट दे रहा है उसके तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए और हमेशा कोर्ट के थ्रू जैसे कि फेयर रहना चाहिए. ओके अब मुझे बताइए कि एडवोकेट की ड्यूटीज उसके क्लाइंट्स के प्रति कैसे रहनी चाहिए. सर क्लाइंट्स के प्रति ऑनेस्टली होने चाहिए एकदम और बताना चाहिए कि हाँ कि ये केसेस जो है किस तरह से मतलब हमने हैंडल करने हैं और ये बताया गया है कि कैसे इसको एडवोकेट्स को एक तरह के फेयर नॉलेज मिलती है कि कैसे करना चाहिए और क्लाइंट के प्रति ऑनेस्ट रहना चाहिए. सर चलिए मुझे बताइए कि कलीग्स के साथ में क्या ड्यूटीज निभानी चाहिए एक एडवोकेट को. ओके सर इसके अंदर ये बताया है कि कलीग्स के साथ हमें मेंबर्स जो है वो अच्छे से रखने चाहिए और उनका नेम यूज नहीं करना चाहिए किसी और से केस से रिलेटेड. ओके यस सर और अच्छे रिलेशंस वगैरह रखे अपने मेंबर्स के साथ. हाँ जी यस सर. चलिए अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ वो है व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, व्हाट डज इट मीन. सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टू टाइप्स के होते हैं, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट. सर इसमें ये बताया गया है कि जो सिविल कोर्ट होते हैं वो विलफुल डिसोबीडियंस नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोई भी अगर जज जजमेंट देता है हम उसमें बीच में डिसोबीडियंस नहीं करते हैं चाहे कोई भी जजमेंट हो या डिक्री हो कोई भी ऑर्डर हो. और क्रिमिनल कोर्ट ये होता है कि इसके अंदर कोई भी पब्लिकेशन मैटर से हमको चाहे स्पोकन हो चाहे रिटर्न हो हमने इसमें अगर कर दिया तो ये क्रिमिनल माना जाता है. और इसकी पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. यस सर, 6 months की होती है और इसके अंदर फाइन 2000 का मिलता है. ओके यस मुक्ता हैव योर क्वेश्चन प्लीज. श्योर सर, व्हाट इज योर हॉबीज. माय हॉबीज आर टू प्ले बैडमिंटन एंड टू रीड बुक्स ऑफ लॉज. एंड स्ट्रेंथ. माय स्ट्रेंथ इज आई एम अ गुड एडवाइजर एंड इंटरेक्ट विद पीपल इजीली. ओके आपने लॉ प्रोफेशन चुना तो स्पेशल कोई रीजन होगा कि आपने लॉ एज अ करियर चुना, तो कोई रीजन था इसका. यस सर. सर एक्चुअली मुझे ये था कि हम मेरे को लॉ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए. आपको लगता है कि लॉ का नॉलेज आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा. यस सर. वेरी गुड, जितना भी आपने आंसर्स दिए कीप इट अप, प्राउड ऑफ यू, रियली कीप इट अप, बहुत बढ़िया. थैंक यू.